आज का हमारा सबसे पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडी क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो चलिए कुछ केस स्टडी डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हॉट विंटर, हॉट विंटर्स इज अ प्रीमियम स्वेटर मेकिंग कंपनी। द स्वेटर्स आर वॉर्न इन मेनी कंट्रीज। यानी कि स्वेटर का जो डिमांड है, जो पहना जाता है बहुत सारे देशों में, इस स्वेटर का, इस कंपनी का, हॉट विंटर्स कंपनी का स्वेटर का डिमांड भी है और लोग पहनते भी है। एंड दे आर वेरी ऑफ हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का बेचते हैं ये लोग। फॉर द सिक्स मंथ ऑफ द ईयर, सिक्स मंथ्स ऑफ द ईयर द कंपनी इज ऑलमोस्ट विदाउट वर्क, विदाउट वर्क, बट द रिमेनिंग सिक्स मंथ इट इज बिजी इन प्रिपेयरिंग ऑलमोस्ट 10 मिलियन स्वेटर्स फॉर द कस्टमर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डू यू थिंक is going to be the what is going to be the what do you think is going to be the working capital requirement of the company and why? चलिए तो अब आपको बताना है कि चूंकि ये सीजनल बिजनेस कर रहा है और 6 महीने इसका बिजनेस बहुत पिक पे रहता है, पर 6 महीने थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो बताइए आपकी इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, हाई रहेगा, लेस रहेगा कि हाई रहेगा। और दूसरा आपको ये बताना है, रीजन रीजन भी बताना है। चलिए फटाफट से बताइए फटाफट। हाँ अनुराग कह रहे हैं हाई, चलिए वेरी गुड। और कोई? हाँ सर हाई होगा एंड क्योंकि स्टॉक मेंटेनेंस किया जा रहा है, वेरी गुड, है ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर इनका जो स्टॉक जो होगा ना वो हाई होगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हाई होगा, और साथ ही साथ ऐसा इसलिए सर क्योंकि इनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, सीजनल बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ही हैव टू मेंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक फॉर देयर कस्टमर सो दैट व्हेनेवर रिक्वायर्ड है ना, डिमांड शुड बी फुलफिल्ड, कैन बी फुलफिल्ड, हाई होगा ड्यूरिंग सीजन और मोर डिमांड स्टॉक करने पड़ेगा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका धीरज हैज ओपेंड अ कंपनी। धीरज जी एक कंपनी स्टार्ट किए हैं। ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू सेट अप द बिजनेस ऑफ हिज फादर हर इन इंडिया हियर इन इंडिया। वो इंडिया में आया है अपने पिताजी के साथ एक बिजनेस। ही डिसाइडेड टू मीट अ पर्सन हु ओज ह्यूज चंक ऑफ प्रॉपर्टी। इसके पास भाई मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टी, उनसे मिलने जा रहा है, कोई बिजनेस का बहुत बड़ा डीलिंग करेगा। He decides to take a piece of land for his company on lease from him. Lease पे उनसे land लेना चाहता है। What do you think is going to be the fixed capital requirement of the company and why? तो बाबू मैंने आपको बताया था, जब जब assets की बात करते हैं तो एक large amount of fund जो है वो land और property purchase करने में चला जाता है, है ना। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो कहाँ चले जाता है, प्रॉपर्टी परचेस करने में, लैंड परचेस करने में। मगर इस बंदे ने चतुराई दिखाया, धीरज ने चतुराई दिखाया, वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो लीज फैसिलिटी पे ले रहा। अब लीजिंग फैसिलिटी पे ले रहा है, इसका ये मतलब है कि उसको एक बार में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगा, लेस रहेगा, है ना। फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट लेस रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो लीज पे लिया, और लीज पे लेने के कारण इसका जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चलिए वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन, शानदार परफॉर्मेंस। एंड AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट टू ओपन प्लांट इन दिल्ली। दिल्ली में अपना प्लांट सेटअप करना चाहता है। कोई बात नहीं भाई, दिल्ली में वैसे भी बहुत गर्मी है। द ओनर ऑफ द कंपनी कॉल्ड अ मीटिंग टू फाइंड आउट द एक्सपर्ट टू फिक्स द प्लांट रिक्वायरमेंट। ओनर ऑफ द कंपनी कॉल्ड अ मीटिंग टू फाइंड द एक्सपर्ट टू फिक्स द प्लांट रिक्वायरमेंट। प्लांट बैठाने के लिए क्या क्या लगेगा, चलो भाई एक ब्लू प्रिंट बना दिया जाए। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, the recruitment process of the potential employee who will be working in the plant will be started soon.
और इन लोग बहुत जल्द ही एक अपने स्टाफ के लिए सिलेक्शन करना चालू करने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इज? तो देखो बाबू, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और चूंकि एसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है सीजनल बिजनेस है ये भी सीजनल बिजनेस में ही आ जाता है ना। जनरली क्या होता है, एसी का डिमांड जो है वो ठंड के टाइम पे नहीं होता। आपका समझ लो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगस्त से ना डिमांड घटना चालू होता है और घटते 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 एकदम फरवरी तक घटता है, फिर मार्च से चालू होता है डिमांड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट करना पड़ेगा। तो बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम हाई हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है कि आप इतने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, अब हम लोग को नहीं लगता है, पहले भी डिस्कस किए हैं, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप नहीं जवाब दे पाओगे, है ना। बहुत आसान है और सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं लगभग। चलिए, वेरी गुड। हाई वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कंपनी रिक्वायरमेंट हाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि कुछ नया होगा इसमें। देर आर टू ब्रदर्स, सोबित एंड मोहित, दो भाई है भाई, बहुत अच्छी बात है। सोबित स्टार्ट टूरिस्ट एंड ट्रेवल एजेंसी, हिज आइडिया इज टू टेक बिजनेस टू अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊपर लेके जाना चाहता अपने बिजनेस को, इस टूर एंड ट्रेवल्स को, मगर ये कोरोना वायरस तो टूर एंड ट्रेवल बिजनेस को की तो बैंड बजा दिया है। दो ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, येट ही वॉन्ट टू गिव दिस बिजनेस अ ट्राई, इसको किसी भी तरीके का आइडिया नहीं है मगर फिर भी ये ट्राई करना चाहता है। ही फील्स दैट इफ ही गिव द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज देन His business will reach greater height, है ना। और इसका मानना है कि भाई अगर हम बेस्ट क्वालिटी देंगे अपने कस्टमर को, बहुत अच्छे से सर्व करेंगे, तो मेरे बिजनेस को ना एक हाइट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ, ये टूरिस्ट बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मोहित स्टार्ट थर्मोमीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये लीजिए। अब मोहित को तो लग गया कि भाई थर्मामीटर ही बना लिया जाए। चलो, ही टू लाइक हिज ब्रदर वॉन्ट टू टेक हिज बिजनेस टूवर्ड्स अ ग्रेट सक्सेस, जिस तरह से इसका भाई चाहता था उस तरह से ये भी चाहता है कि अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जाए। ठीक है, थर्मामीटर बनाना चाहते हैं, थर्मोमीटर। ही इज न्यू टू दिस बिजनेस एंड इज बिजी इन गेटिंग टू नो अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ द बिजनेस एज मच एज पॉसिबल। और ये मोहित बेचारा भी थर्मामीटर के बिजनेस में नया है और ये भी चाहता है कि चलो कुछ आइडिया गैदर कर ले, मतलब दोनों नया है। ठीक है भाई, ही वॉन्ट्स टू मेक, अच्छा, दोनों जो है इंस्पायर्ड है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से, सेल्फ डिपेंडेंट है, एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहा है बैठ के, ठीक है ना, सेल्फ रिलायबल है, अपना बिजनेस बड़ा करना चाह रहा है ना, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम की बात कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू मेक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ थर्मोमीटर विच आर यू, है ना, अल्ट्रा सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज एंड कैन रेजिस्ट शॉक, है ना। शॉक मतलब कि किसी भी तरीके का हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर लेगा, और अल्ट्रा सेंसिटिव मतलब जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तुरंत एकदम डिटेक्ट करके बता देगा, तब तो ऐसा होना चाहिए। डिस्पाइट ऑल दिस गुड्स एम्बिशंस इन माइंड, अ सडन शॉक टेक प्लेस बोथ ऑफ द ब्रदर, एक है ना मुश्किल भरी बात इसके दिमाग में आई। इकोनॉमी शोज अ साइन ऑफ रिसेशन विद इन अ फ्यू मंथ इज टोटली इनगर्ल्ड बाई इट, ओ माई गॉड। अब दोनों बेचारा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इसको सबसे बड़ा मार झेलना पड़ रहा है रिसेशन का। रिसेशन का दौरा इकोनॉमी में आ गया है। अब जानते हो रिसेशन जब भी आता है, तो भाई अगर आप ट्रेवल एजेंसी चला रहे, ट्रेवल एजेंसी मतलब क्या, आप ट्रेडिंग कंसर्न चला रहे हैं, सर्विस देने का काम कर रहे हैं, और आप या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं थर्मोमीटर का, तो यानी कि आप ट्रेडिंग चलाओ चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चलाओ,
आपको रिसेशन तो फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, रिसेशन किसी को नहीं छोड़ता, इवन एजुकेशन सेक्टर को भी नहीं छोड़ता है रिसेशन पीरियड, ठीक है, उसका भी मार हर जगह पड़ता है। तो कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द टू बिजनेस डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। तो दो बिजनेस जो डिस्कस किया जा रहा है, तो दो बिजनेस यहाँ पे क्या है, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक है ट्रेडिंग बिजनेस। दोनों के जो इम्पैक्ट है ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस रिसेशन की वजह से क्या होगा, विच ऑफ द टू बिजनेस डू यू लाइक डू यू थिंक विल सी ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और ये दोनों में से, ये ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में से, दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा इस रिसेशन पीरियड का। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए अब आप लोग जवाब देंगे। हाँ सर, सौबित इज डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस एंड मोहित इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वेरी गुड अंजलि, टू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सर मोहित बिजनेस विल सी ग्रेटर इम्पैक्ट ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड। वेरी गुड हर्ष, है ना, मोहित का बिजनेस चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा रिसेशन, है ना। बट आदित्य एजेंसी, ट्रेवल एजेंसी को थोड़ा हो सकता है, ट्रेवल एजेंसी को भी फेस करना पड़ेगा रिसेशन का, मंदी का दौर, मंदी का मार, मगर जितना फेस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी कि मोहित को, उतना सौबित को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेसिकली, कि दोनों को फेस करना पड़ेगा मंदी का दौर, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों का इंपैक्ट होगा। और आपको हम बताए थे कि जब रिसेशन पीरियड होता है ना, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, याद है। पीक पीरियड में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब बहुत अच्छा चलता है तो फिर लोगों को पैसे का जरूरत, मतलब लेबर का जरूरत पड़ता है, रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस जब ग्रो करता है तो वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट ग्रो हो जाता है, पर जब मंदी का दौर आता है, बिजनेस ठंडा हो जाता है, उस समय वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों में से किसको इम्पैक्ट करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमेशा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और उसके बाद ट्रेडिंग कंसर्न तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, ट्रेवल एजेंसी तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, है ना। चलिए फिर, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक्सप्रेस, ठीक है। भारत एक्सप्रेस स्पेशलाइजेस इन कुरियर सर्विसेज, कुरियर सर्विस में एक्सपर्ट है ये। इट्स वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेस पैकेज एंड पार्सल सर्विस हेल्प बिजनेसमैन बिजनेस फर्म टू मेक श्योर दैट द गुड्स आर मेड लेट टू द कस्टमर्स, अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सिंपल सा बात है, उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। पार्सल वाले हैं, कुरियर करने का काम करते हैं, राइट टाइम पे राइट जगह पे एकदम पहुंचा देना चाहते हैं ये लोग अपना सामान, अपना पार्सल अपने कस्टमर तक। स्टेट द रीज विथ रीजन वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ भारत एक्सप्रेस विल बी हाई और लो। तो बता दो फटाफट से बच्चों कि इनका वर्किंग रिक्वायरमेंट हाई रहेगा कि लो रहेगा। तो सिंपल सा बात है, इनको क्या चाहिए, इनको थोड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। अरे हम जो सामान दिए वो तुम्हारे तक पहुंचा दे रहा है, तो इनको सिर्फ एक चाहिए बाइक और पीठ पे एक झोला और कुछ नहीं, और पूरा गया शहर, पूरा शहर छान मारते रहेंगे और आराम से डिलीवर देते रहेंगे। यानी कि इन लोगों को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगा, गोडाउन में, भाई पार्सल आया है तो गोडाउन मेंटेन करना पड़ेगा, मगर वो भी उतना मैनेजेबल। तो अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। हमको तो लगता है केस स्टडी से अच्छा क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, मतलब कितना आसान क्वेश्चन, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। और क्या चाहिए, घूमने वाला लड़कन के लिए अच्छा काम सर। एक बच्चा कह रहा है सर घूमने वाले बच्चों के लिए अच्छा काम है, एकदम सही काम है, बट एक समय आता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं, कितना घूमेगा भाई। इंडियन लॉजिस्टिक हैज इट्स ओन वेयर हाउस। लॉजिस्टिक क्या होता है सर, लॉजिस्टिक ये पहली बार सुन रहे हैं आप, कई बार सुने होंगे,
वो कंपनी जो मूव पार्सल पैकर्स एंड मूवर का काम करती है उनको लॉजिस्टिक कंपनी बोलते हैं, है ना। इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेगमेंट है जो लॉजिस्टिक बिजनेस करता है। लॉजिस्टिक मतलब जैसे देखिए समय चेंज हो रहा है, अब कंपनी कभी कभी जैसे कंपनी अपना प्लांट शिफ्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, या फिर मान लीजिए आप पहले मुंबई में थे, अब आपका ट्रांसफर हो रहा है केरला में, है ना, आपका ट्रांसफर हो रहा है त्रिवेंद्रपुरम में ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अपना सामान इतना सारा कहाँ कैसे लेके जाएंगे। तो आपकी समस्या को समाधान करने के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज आती हैं। ये लोग क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान एकदम बढ़िया से इज्जत से पहुंचा देगी, ठीक है। तो इंडियन लॉजिस्टिक हैज इट्स ओन वेयर हाउस अरेंजमेंट्स एट द की लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, इट्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज, अच्छा वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी देते हैं, हेल्प्स द बिजनेस टू फर्म टू रिड्यूस द ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, देखो इस लॉजिस्टिक कंपनी का वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी चलता है। ओवरहेड मतलब होता है एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको हम लोग ओवरहेड भी बोलते हैं। जब तुम लोग कल को कॉस्ट पढ़ोगे ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट में हम लोग एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। और ओवरहेड एक चैप्टर भी है, कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे एक ओवरहेड चैप्टर, और वो ऐसा चैप्टर है कि ओवर द हेड पास हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर ढंग से उस चैप्टर को नहीं पढ़े कंसिस्टेंसी के साथ, तो ओवर द हेड पार भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको कि चैप्टर भी खत्म हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। तो रिड्यूस द ओवरहेड, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, ठीक है। वेयर हाउस में ओवरहेड मैन्युफैक्चरर का जो उनसे सर्विसेज लेते हैं उनका सामान रखता है, तो उनका एक्सपेंसेस घट जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। स्टेट विद द रीजन वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी विल बी हाई और लो, बताइए क्या रहेगा, हाई रहेगा कि लो रहेगा। सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। लो लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लो एज द फर्म इन्वॉल्व द सर्विस ऑफ द इंडस्ट्री, वेरी गुड, है ना। लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सर कंपनी जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, यहाँ पे इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक बार फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दिए, फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगा दिए, और उसके बाद वो सर्विस देते रहेंगे, यानी कि इनका जो लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके खुशी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केजी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कोलकाता, कोलकाता में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ट्रक का, बहुत अच्छी बात है। द डिमांड ऑफ इट्स ट्रक इज हाई एज द इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट 7 to 8%। ओहो, 7 to 8% डिमांड मतलब जीडीपी ग्रो कर रहा है, ठीक है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड 20% इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इट्स ट्रक, कंपनी का अनुमान है कि भाई 20% से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। इट इज प्लानिंग टू सेटअप न्यू ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना। फॉर दिस द कंपनी विल इन रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ एज फिक्स्ड कैपिटल एंड 5G0, चलो 50 करोड़ या फिर 500 करोड़, जो भी मान लो, मान लीजिए 500 करोड़ ही मान रहे, 500 करोड़ एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को 2,000 करोड़ रुपया चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के लिए और 500 करोड़ चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। द कंपनी ऑलरेडी अरेंज इज फिक्स कैपिटल, कंपनी ने अपना फिक्स्ड कैपिटल जो है वो अरेंज कर लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। स्टेट एनी थ्री फैक्टर दैट फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड कीप इन माइंड व्हाइल अरेंजिंग वर्किंग कैपिटल। ओ माय गॉड, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद बस एक ही पॉइंट पूछा, है ना। स्टेट एनी थ्री फैक्टर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड कीप इन माइंड व्हाइल अरेंजिंग द वर्किंग कैपिटल, बताइए। तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बताना है, तो फटाफट से तीन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का तीन वजह बता दो, है ना, तीन
सही बात है, बहुत अच्छी बात है सर। बिजनेस साइकिल होता है, नेचर ऑफ बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है सर, सीजनल फैक्टर है, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सर, सीजनल फैक्टर, इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट है ना प्रोवाइडेड, क्रेडिट क्रेडिट फैसिलिटी भी सर, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड ये भी रोल प्ले करता है, डाइवर्सिफिकेशन भी रोल प्ले करता है। चलिए लगभग सारा फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लिए, तो इनमें से मात्र तीन फैक्टर्स को आपको डिस्कस करना है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम इजी टॉपिक, इजी इजी क्वेश्चन। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन में सिक्स सर। सेकेंड क्वेश्चन, रघु हैज स्टार्टेड अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मीट द कॉम्पिटिटर्स मार्केट होल्ड बाय गिविंग लिबरल क्रेडिट टर्म्स टू देयर क्रेडिटर। रघु ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखिएगा, द कंपनी डिसाइडेड टू मीट द कॉम्पिटिटर्स मार्केट होल्ड बाय गिविंग लिबरल क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स, है ना। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहता है कि भाई कस्टमर मेरे पास ज्यादा है। दे हैव डिसाइडेड टू चेक क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस कहने का क्या मतलब, क्रेडिट वर्दिनेस मतलब कि क्रेडिबिलिटी कैसा है आपका। जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप बहुत ज्यादा उधार लेके रखे हो और टाइम पे आप पैसा नहीं देते हैं, यानी कि आपका क्रेडिट वर्दिनेस जो है वो अच्छा नहीं है ना। आप बहुत गंदे तरीके से बिजनेस करते हैं, आपको कोई भी उधार देना पसंद नहीं करेगा, तो क्रेडिट वर्दिनेस चेक करेगा और फैसिलिटी देगा उसको क्रेडिट का। दे विल प्रोवाइड फैसिलिटी टू द कस्टमर्स हैविंग क्रेडिट कार्ड, और जिनको जो कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड है उनको तो ईएमआई पे भी दे देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रिडिक्ट हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ रघु कंपनी, व्हाट डू यू थिंक विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओह देखिए यहां पर बताया जा रहा, आपको बता दिया गया है फर्स्ट केस में, प्रिडिक्ट द फिक्स्ड कैपिट है ना। अच्छा दोनों आपसे पूछ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दोनों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा सर। हाई होगा अगर वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है सर। हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ रघु इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑल्सो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर, एज लेबर चार्जेस आर वेरी हाई, है ना। और बहुत अच्छी बात है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोथ विल बी हाई। रघु कंपनी इज रिक्वायर्ड हाई वर्किंग कैपिटल, हाई हाई। अच्छा एक आदित्य लिख रहा हाई हाई, चलो बहुत अच्छी बात है। हाई हाई कहने का मतलब इसमें भी हाई और इसमें भी हाई रिक्वायरमेंट। अच्छा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तो हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तो हाई हो जाएगा, मगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई इसलिए होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी वाले फैक्ट टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर एक बच्चा बोला सर लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लेबर का भी बहुत जबरदस्त यूज होता है, तो लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा रेगुलरली, रॉ मटेरियल छोटे छोटे इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगा और ये भी दोनों हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अतुल, अतुल जी हैं, ऑयल एक्सप्लोरर इज हाई टर्नओवर ऑयल एक्सक्रीटिंग कंपनी, है ना, ऑयल की कंपनी है, ऑयल एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इट हैज मेड लॉट सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल इन द पास्ट, बहुत बड़ा बड़ा डिगिंग किया है और जहां से उम्मीद भी नहीं था वहां से भी तेल निकाल दिया ये लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। बट रिसेंटली द कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग सो वेल
इन द बिजनेस, बट कंपनी का कुछ हालत खराब है ना, सऊदी अरब को आकर इसका बैंड बजा दिया है। द कंपनी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द इन द टेक्सटाइल बिजनेस। अब कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में आना चाहती है, कपड़े के बिजनेस में आना चाहती है। द न्यूज पेपर आर फ्लडेड विद दिस न्यूज। न्यूज पेपर में एकदम बाढ़ आ गया, मतलब बाढ़ कहने का मतलब कि बहुत तेजी गति से फैला दिया गया इस न्यूज को कि कंपनी जो है अतुल ऑयल जो है अब टेक्सटाइल में भी इंटर कर रहा है। पीपुल आर कंसिडरिंग दिस एज अ स्मार्ट मूव ऑफ द कंपनी। लोग भी आपस में बात करें, भाई कंपनी बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, मतलब अच्छा लंबा हाथ मार रहा है, मतलब गेम मतलब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है बिजनेस को। क्या कर रहा है? डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफाई मतलब पता है ना, आप ऑयल की बिजनेस कर रहे हैं, अब टेक्सटाइल में इंडस्ट्री टेक्सटाइल में इंटर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफाई करना। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी? तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हैं, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? हाई रहेगा, है ना? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका बहुत हाई रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड।